अभी यहाँ बैठे बैठे हमारे पास आया एक बढ़िया लोहानी गाँव का 40 लोगों का मास्टर रोल। जिंदाबाद जिंदाबाद, जारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तीन क्षेत्रीय मांगों को लेकर धरना चल रहा है आपका, ये क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी और कितने दिन तक धरना चलेगा? ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पे तीन सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु हम लोग लगातार 21 मार्च से संघर्षरत हैं। हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने 5 जून से आमरण अनशन कांसीराम इको गार्डन पार्क में प्रारंभ कर दिया है, परंतु शासन के कानों पर अभी तक कोई जू नहीं रेंग रही है। इसीलिए उन लोगों के समर्थन के लिए आज ये हमारा धरना नहीं है, बल्कि हम 5 लोग आज से क्रमिक अनशन के रूप में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जो 24 घंटे बैठेंगे। उसके बाद फिर 24 घंटे बाद हमारे 5 नए साथी आके यहाँ पे बैठेंगे। इस तरह से धरना ये अनवरत हमारी मांगों की पूर्ति तक चलता रहेगा। आपने पूछा कि हमारी तीन प्रमुख मांगे क्या हैं। हमारी तीन प्रमुख मांगे ये हैं कि हमारी योग्यता इंटर से बढ़ा के स्नातक कर दी जाए, CCC जो कंप्यूटर की डिमांड है उसको ओ लेवल कर दिया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि हम अभी वर्तमान में 2000 की ग्रेड पे में कार्य कर रहे हैं, ये हमारा ग्रेड पे बढ़ा करके 2800 कर दिया जाए। हमारी तीसरी प्रमुख मांग है कि हमारे साथी 25-25 साल 30-30 साल एक ही पद पे कार्य करते रह जाते हैं, उनको कोई पदोन्नत नहीं मिलती है, तो हमें 10-16-26 साल पे जो ACP नेक्स्ट ग्रेड पे का वेतन दिया जाता है उसके स्थान पे पदोन्नत पद का वेतन मान दिया जाए, और ऐसी नीति बनाई जाए कि जितने हम लोग भर्ती होते हैं उसका कम से कम 30% पदोन्नत का पद हो, ताकि समय समय से साथियों में एक ही पद पे कार्य करने से हतोत्साहन ना हो, बल्कि प्रोत्साहन के रूप में वो नए पद पे अधिक उत्तरदायित्व के साथ काम करें, जिससे हमारा मनोबल लगातार बढ़ा रहे। ये हमारी मांग शासन से है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, हमसे टेबल टॉक करके इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाएं, अन्यथा हम लोग कार्य बहिष्कार लगातार और आमरण अनशन जारी रखेंगे, जिससे जनता की होने वाली कठिनाइयों के लिए हम सबसे क्षमा चाहते हैं। ये हम बहुत दुखी और भारी मन से कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका शौक नहीं है। आप लोग ये जान रहे हैं कि इस भयानक गर्मी के मौसम में कोई भी इस तरह से धरना प्रदर्शन करना नहीं चाहता, जब कोई बहुत मजबूर हो जाता है। तो प्रांतीय नेतृत्व को सपोर्ट करने के लिए हमने ये क्रमिक अनशन लगाया है, जिसमें 5-5 लोग हर 24 घंटे बाद एक दूसरे को रिलीव करते जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ धरना चल रहा है, लखनऊ में भी एक हफ्ते से धरना चल रहा है, सरकार तक ये बात पहुँच रही है परंतु कोई इस पे निर्णय नहीं ले रही है, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए साथियों, हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा 5 जून से जो प्रांतीय नेतृत्व धरने पर बैठा हुआ है, तो आप जानते हैं कि शासन जो है वहाँ पर बहुत छोटे छोटे अधिकारियों को हमसे वार्ता करने के लिए भेज रहा है, जो कि निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। हमारी जो मांगे हैं ये हमारे विभागों ने पहले से ही लिख के शासन को भेजा है कि ये कर दिया जाए, और वो हमारे ही विभागीय अधिकारियों से बात करने के लिए हमको भेज रहे हैं। तो हमारी मांग है कि अगर शासन हमारी मांगों पे गंभीर है, उसको जायज मांग रहा है, तो प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव वित्त और मुख्य सचिव, ये तीन लोग बैठें, अगर हमारी जिन जिन मांगों को जायज पाएं उस पर तत्काल शासनादेश जारी हो, हम इसी पे मानेंगे। जय संघ जय भारत। हमारे मैं नरेश कुमार शुक्ला, जिला अध्यक्ष, ग्राम विकास संघ फैजाबाद। अभी हमारे पास है, अगर आपकी मांग आगे पूरी नहीं हुई, आप लोग का धरना पांच लोग बढ़ रहा है, उसके बावजूद मांगे नहीं पूरी हुई, तब आपका क्या आगे काम होगा? पहले तो हम अपने मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देंगे। हमारा ये कार्यक्रम 2.5 महीने से लगातार चरणबद्ध चलता रहा। हमारा ये आंदोलन पूर्णतया संवैधानिक है।
हम लोगों ने समय समय पे अपने जनप्रतिनिधियों, विधायक जी, सांसद जी और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि प्रदेश में हैं उनके दरवाजों पे जाके लिखित ज्ञापन भी दिया है। समय समय पे हम लोगों ने इसमें एक दिवसीय कार्यक्रम लगाया है और अंत में 5 तारीख से हमारे प्रांतीय नेतृत्व के दोनों अध्यक्ष भूख हड़ताल करके आमरण अनशन पे बैठे हैं। आज 7वां दिन है, उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, पूरा प्रदेश एक साथ है, पूरे प्रदेश में काम बंद है। अगर हमारी मांगे अति शीघ्र नहीं मानी गई तो हम प्राण त्यागने को भी तैयार हैं। हमारा अगर ये 3 सूत्री कार्यक्रम को सरकार ने तुरंत संज्ञानता नहीं लिया तो हमारे साथी इतने आंदोलित हैं कि काम तो बंद, अपनी जान तक देने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। शंभुनाथ पाठक, ग्राम पंचायत इकाई संघ, जिला अध्यक्ष। हमारे साथ आज भूख हड़ताल और धरने पे जो समर्थन प्रदेश के लिए दिया है हमारे साथियों ने, उसमें हमारे नरेश शुक्ला जी हैं, ध्रुव सिंह हैं, लालजी चौरसिया जी हैं और अनिल सिंह हैं। हम लोग 5 दिन और ये अनवरत चलेगा, अब यहाँ से कर्मचारी हटेगा नहीं और हमारे शासन की नीतियों को के विरोध में हम लोग पूर्णतया कार्य बंद करके